की नहीं हो सकी अब तक, तो वो अपनी जगह है मामला। इसलिए अब हाई कोर्ट जो फैसले करेंगे, अगर उन फैसलों के हवाले से ज़रूरत हुई तो अपीलें ज़रूर जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये एक ज़रूरत है इस अमर की कि अदालतें इस मामले में दखल दें। जो पकड़ धक्कड़ अब सामने आ रही है, लोगों से कागजात के नामजद छीने जा रहे हैं जो उन्होंने हासिल किए हैं, इस अरसे के कागजात दाखिल कराए जाएँ, अगर उनको दाखिल नहीं कराने दिया जाता, रास्ते में रुकावट होती है, तो ये सब कुछ अदालत के सामने है। अदालत को देखना होगा कि क्या मकसद सिर्फ एक इलेक्शन की एक एक्सरसाइज कराना है या उसमें कोई कोई उसमें एक जान भी होनी चाहिए, उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। इलेक्शन की एक रूह है, इलेक्शन सिर्फ कोई परेड नहीं है, कोई एक एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले का जो तमाम अमल है अगर वो आईन और कानून के मुताबिक नहीं होता तो फिर उस दिन इलेक्शन वाले दिन कुछ लोग जाकर अगर वोट डाल भी आते हैं तो वो एक बेमानी अमल होगा। साइफर ट्रायल में आज क्या हुक्म हुआ है? कल के लिए अटॉर्नी जनरल साहब को तलब किया गया है और जो ऑब्जर्वेशंस अदालत ने दी हैं वो मेरी नज़र में अहम हैं। अदालत ने कहा है कि बज़ाहिर यही नज़र आता है कि ख्वाहिश यही है कि तमाम ट्रायल जो है उसको उसी तरह मुनक्किद किया जाए जैसे पहले किया जा रहा था, इस अदालत के फैसले से पहले जिसमें ट्रायल को पॉश किया गया कि उसी रविश को अपनाया गया है और बग़ैर कोई जहन अप्लाई किए मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तोशा खाना के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं आया और कागजात नामजदगी की जी ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि हाई कोर्ट ने अगर तो उस अपील को मंजूर करना है तोशा खाना के फैसले को रद्द करना है जो कि मेरी नज़र में होना चाहिए, वो फैसला वादी उन नज़र में गैर आइनी है, गैर कानूनी है, डिफेंस को एविडेंस नहीं लीड करने दी गई, मौका नहीं दिया गया दिफा का। तो अब उस मामले को हम देख रहे हैं, पिछले 6 माह से अदालत के सामने है और बहुत से मुकदमे अदालत के सामने आए अपीलें आईं जो एक दो दो दिन में जिनके फैसले हो गए। इस मुकदमे का फैसला अगर 6 माह से नहीं हो सका तो सवाल उठाना बनता है। सर आप लाहौर से कौन से हलके से नॉमिनेशन फाइल पेपर कर रहे हैं और कैंपेन कब से शुरू करेंगे? जी लाहौर का हल्का है NA 128 और उसके बाद देखेंगे कैंपेन जिस तरह होगी। इलेक्शन लड़ेंगे या मुकदमे लड़ेंगे? सब कुछ करेंगे, पढ़ाऊँगा भी मैं, इसमें कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ जनवरी से। ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं, मैं समझता हूँ ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना फ़र्ज है। थैंक यू। और अदालत क्या करेगी? ये तो जो लोग कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, किस नहज पे इस तमाम सियासी अमल को हम धकेल रहे हैं। तो इसमें अदालत और कानून अपनी जगह, फैसले अपनी जगह, लेकिन नामालूम अफराद को कौन रोकेगा? अच्छा खान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हैं जो तोशा खाना का केस है? मेरी नज़र में अहल हैं और होंगे। अदालत से हमें तवक्को है कि वो फैसला आज सुना देगी जिसमें उनकी सज़ा की और कन्विक्शन की मौतली की इस्तदा की गई है। ये मामला कई महीनों से अब अदालत के सामने है और कोई वजह नहीं कि इसका फैसला ना हो। सर ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को तंजिया तौर पर घड़ी का निशान अलाट करने जा रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो मर्जी करें, ये फैसला आवाम करेगी कि किसको उन्होंने वोट देना है और किस सिंबल को वोट देना है। ये सिंबल से फ़र्क नहीं पड़ता अगर सिंबल चेंज हो भी जाए? देखिए फ़र्क ज़रूर पड़ता है, इसीलिए ये कोशिश है कि सिंबल ना दिया जाए, जो आवाम जिस सिंबल से मानूस हैं उस सिंबल को महव कर दिया जाए। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ आवाम शऊर रखते हैं और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है मीडिया की कि आवाम को बताए कि किसका क्या सिंबल है। और अगर एक नया सिंबल दिया जाता है या कोई सिंबल नहीं दिया जाता, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को सबको मुख्तलिफ सिंबल दिए जाते हैं, तो इसका मकसद एक रखना पैदा करना ही है। लेकिन बहरहाल रखनों के बावजूद ये अमल आगे हमें बढ़ाना है, हमें आईन और कानून और जमहूरियत से जुड़े रहना है। सर आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डायल किया हुआ, तो नवाज शरीफ क्या इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या नहीं? देखिए मैं इस बारे में तबसरा नहीं करूँगा, ये ज़रा पेचीदा कानूनी मामला है। एक कानून भी बना दिया गया, 2 जनवरी को गालिबन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की हियरिंग भी करेगी, तो देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। जो बलोचों पे रात सर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बलोच मार्च कर रहे हैं, उनके साथ जो किया गया इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ एहतजाज करना हर एक का हक है और एक पुरमन एहतजाज पे तशद्दुद जो है किसी भी नौइयत का वो काबिल कबूल नहीं है। और माजी में हमने देखा कि इस्लामाबाद शहर में बहुत एहतजाज हुए, कुछ की पुश्तपनाई भी की गई, लेकिन आज अगर एक कमज़ोर तबका एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आता है तो उसको उसके एहतजाज का हक मिलना चाहिए आईन और कानून के मुताबिक, और कोई गैर ज़रूरी तशद्दुद जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में कुछ कोई भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। यहाँ माएँ बहनें हैं जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके खामिन सालों से लापता हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस अलमिये को हमें कौमी अलमिया समझना चाहिए, ये कोई बलोच अलमिया नहीं है, ये हमारा हर एक का एक अलमिया है। इसको सामने रख कर हमें मामला करना चाहिए उन लोगों से जो आज इस्लामाबाद आए हैं अपना हक मांगने। अच्छा सर, जो PTI के रहनुमा छुपे हुए हैं वो अगर कागजात नामजदगी खुद जमा नहीं करवाने आते तो क्या उनके एक्सेप्ट होंगे या नहीं?
देखिए कानून में तरीका है, वो अपना एजेंट मुकर्र कर सकते हैं, बार बार अटॉर्नी दे सकते हैं, ये सब कुछ तो मुमकिन है, लेकिन क्या ये होने दिया जाएगा? इतला ये भी है कि लोगों के आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि नादरा से वेरिफिकेशन ना हो सके, वो एक उज़र बनाया जा सकता है कागजात नामजदगी रद्द करने के लिए। तो हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि कागजात छीन लिए जाएँ, दाखिल ना करने दिए जाएँ, या लोगों का जो आईडी कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो हम देखेंगे, सब के बावजूद मैं समझता हूँ जमहूरी अमल जो है आगे बढ़ेगा। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होती हैं, जिसकी हमें कभी उम्मीद है, तो एक आवाम का फैसला सामने आएगा। सर, आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनको तरह तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, आपको अभी तक किस तरह की मुश्किल? मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, नजर रखिए इस गाड़ी पे, यहाँ से वहाँ अभी बड़ा फासला है। सर, अभी तक कोई थ्रेड आपको या किस तरह की? मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये मुश्किल दौर है। सब लोग जो इस अमल में शामिल हैं, जिन्होंने फैसला किया है शामिल होने का, उनको इतला का मुश्किल का सामना करना होगा, और जो कोई भी इस अमल में पढ़ना चाहता है सोच समझ के उसको इस अमल में पढ़ना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। वकला की जानिब से जो आपको ज़ात पे इज़हार किया जा रहा है और चीफ इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही हैं, वो गलत मुतालबा था, और मेरा ख्याल है वो वकला जिन्होंने मुतालबा किया था वो अपनी तंजीमों की नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे थे, ये उनकी ज़ाती राय थी, और उन्होंने इस मामले से मैं समझता हूँ किसी हद तक किनाराकशी की है, लेकिन ये एक तशवीशनाक बात थी, क्योंकि जिन वकला ने ये मुतालबा किया उन सब की सियासी वाबस्तगी हमें मालूम है, उन सब का ताल्लुक एक ही सियासी जमात से है, और उनका ये मुतालबा करना एक इंतहाई तशवीशनाक बात थी कि क्या वो सियासी जमात इलेक्शन से फरार चाहती है। बहुत शुक्रिया।